क्यों फाड़ी आपने? कॉपी को कैसे फाड़ते हैं? तुम्हें क्या लगा ये पढ़ने के लिए ढूंढ रहे? नोटबुक कहाँ, नोटबुक कहाँ गया था सुबह? नोटबुक को क्यों फाड़ने के लिए ढूंढ रहे थे आप? कैसे कर रहा है? जा रहे गुड मॉर्निंग, गुड वाली मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सानू लक्की व्लॉग। कंटेंट आपका वेट कर रहा है। हम अभी उठ रहे हैं 10 बजे क्योंकि छुट्टी है आदि की। और मतलब मैं क्या बताऊँ, भी दिखाती हूँ आपको। आदि सुबह 7:30 बजे उठ गया था और 7:30 बजे उठने के बाद उसने अपनी कॉपड़ियों को ये जितने मचा रही थी। हम सब सोए हैं, ये यहाँ उठ के ये एक तमाशे कर रहा है, अपनी कॉपी सारी फाड़ रखी है। ये देखो, अब इसके पापा को दिखाती है, पिटेगा। अंदर अंदर चलो गाइस, ये मेरे तेज थप्पड़ खा चुका है, इसे भी और मार खाने का मन कर रहा है पापा से। आ जाओ चलो। ये तुम डांट रहे हो, प्यार कर रहे हो? मैं इतनी मुश्किल पकड़ के आई, तुम इसे मारोगे और तुम इसे प्यार से बात कर रहे हो? कॉपी दिखाओ, इस पे बताया क्या कर रहा है। झाड़ू भी है, क्या कर रहा है? कॉपी लाओ, कॉपी दिखाओ पहले मेरे को। इधर कहां बैठा है? क्या कर रहा है? पापा को बताओ। आपने क्यों फाड़ी थी सुबह? आप कहां से लेके गए थे? कहां पर से, कहां पर से ली थी पहले बताओ। आज हुई आदि की रिमांड। गाइस योगी ले आई कॉफी, चिथड़े फाड़े। ये क्या है? ये क्या है आपने क्यों फाड़ी थी गुड मॉर्निंग में? मॉर्निंग में क्यों फाड़ी आपने? कब मतलब ये इवनिंग में फाड़ेगा, ये कब कहना चाह रहा है? तेरा गुड मॉर्निंग में नहीं फाड़ूंगा। कैसे फाड़ी बताना जरा, कैसे फाड़ी? ये फाड़ के दिखाना, आप फिर से इसको फाड़ के दिखाना। एक बार फाड़ो, कैसे फाड़ते हैं? फाड़ो, नहीं फाड़ो, फाड़ो, एक पेज फाड़ो, जल्दी फाड़ के दिखाओ पापा को। हाँ कैसे फाड़ते हैं? ये क्या है? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले फाड़ के दिखाओ पापा को। क्यों फाड़ी आपने? कॉपी को कैसे फाड़ते हैं? आदि इधर पापा की आईज में देखो, आदि पापा की आईज में देखना, एक बार ऊपर देखो, हेड अप करो, आदित्य हेड अप करो, इधर देखो। क्यों फाड़ी? नहीं फाड़ूंगा तो कह रहे हो, फाड़ी क्यों फिर सुबह सुबह हैं? जब सब लोग सो रहे थे आप शैतानी क्यों कर रहे थे? हैं? जब सब लोग सो रहे थे आप क्या कर रहे थे? शैतानी हैं? तुम्हें क्या लगा ये पढ़ने के लिए ढूंढ रहे हैं? मेरी ब्लैक टी, नॉट लेमन टी, ओनली ब्लैक टी। और ये बना रही हूँ मैं ललित जी के लिए चाय, तो मैं लक्की को दूंगी। लक्की पढ़ा रहे हैं आदि को, आदि पढ़ भी रहे हैं क्योंकि लक्की चाय। ये लो गाइस, ये है आदि का खाना, दिन का लंच या फिर सुबह का नाश्ता, जो समझते हो आप। यहाँ कपड़े चीख चीख के बोलने की मुझे धोले, लेकिन मेरा आलस इसे धोने नहीं दे रहा है। यहाँ पर मेरे आलस ने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने डाली वॉशिंग मशीन में कपड़े। ये धुल लिए बेड शीट्स, इस मशीन में सिर्फ बेड शीट धोती हूँ मैं, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है, कपड़े ख़राब कर देती है, बिल्कुल ख़राब कर देती है। जो कपड़े बेचारे 1 साल चलेंगे, वो कपड़े को 3 महीने में बेकार कर दी। खत्म कहानी, खत्म। सो गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं, बाहर आ रही है थोड़ा बहुत बारिश और हम जा रहे हैं थेरेपी क्लास, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं थेरेपी क्लास जाने के लिए। आदू आदू थेरेपी चल रहे हो? गाइस बता दो, गाइस भगवान जी गुस्सा, गाइस भगवान जी को गुस्सा आ गया। भगवान जी गुस्सा क्यों आ रहा है पता है? आसमान को गुस्सा आ गया। हां घूंगड़ बज रहा है बाहर। हां घूंगड़ बज रहा है। आसमान कैसे कर रहा है पहले बताओ। आसमान घूर घूर कर रहा है। हां घूर घूर कर रहा है। घूर घूर करके क्या होता है?
गुस्सा आता है भगवान जी को, आसमान को, आसमान के दादी फेंक देंगे। किसकी? इसे कपड़े नीचे करना। आसमान की? आसमान के दादी फेंक देंगे। हैं? किससे पिटाई करेंगे? आसमान के दादी हाथ से पिटाई करेंगे। कैसे? ऐसे। अच्छा, और काली माता कैसे करती है? So guys, मैं हो गई हूँ थेरेपी क्लास के लिए रेडी, आदि भी हो गया रेडी और योगी भी हो गई है रेडी। चलो आज तैयार हो जाओ, चलो गाइस बोल दो। सो हम जाएंगे थेरेपी क्लास, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं और कुछ बाहर बारिश हो रही है, कुछ मजा सा आ रहा है, कुछ बुरा सा आ रहा है कि आज जाना पड़ेगा, लेकिन जाना है। कुछ दिन की बात और है बस, अप्रैल तक, अप्रैल लास्ट, फिर मार्च लास्ट हो गया, अप्रैल लास्ट तक जाएंगे। मिलते हैं आपको, मैं वीडियो बरकरार रहेगा, बरकरार रहिएगा। अदु दूसरी टी शर्ट पहन लो। इसको दूसरी टी शर्ट पहना दो यार। नहीं पहन रहा, मैं गाड़ी वाली पहनूंगा। दूसरी वाली पहनो बेटा, ये गलती है। ये पहन लो इसको, इसको ये अच्छी लगी, यही पहना दो। इसकी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि ये तब परेशान करते हैं। इसकी संतुष्टि में मेरी संतुष्टि है। तो मैं आपको चेहरे क्यों बनते हैं, क्यों बनते हो मैं आपको चेहरे, जब कह रही थेरेपी क्लास जाना है। तो भाई फुल थेरेपी क्लास से निकल गए घर से, बाहर आ रही है बरसात, बाहर आ रही है बारिश, अभी तो रेनिंग सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है फिर भी बारिश आ रही है। सो देखो थेरेपी क्लास, और आदि बड़ा ही सुपर एक्साइटेड है क्योंकि उसे बड़ी नींद आ रही थी। मैंने उससे कह दिया गलती से कि मैं आदि को चॉकलेट दिलाऊंगी, तो वो आप देखो दुकान में भाग गए। तो अब चॉकलेट से मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, अब वो चॉकलेट चाहेगा, लेगा चॉकलेट। अब कौन सा ले लोगे? बड़ी वाली? छोटी वाली ले लो यार। भैया एक बड़ी वाली चॉकलेट दे दो 30 रुपये की। देखो अब आदि के चॉकलेट ली जा रही है, ये लो खा लो कितनी बड़ी। ठीक है आ जाओ, हम टाइम से पहले आ गए, 20 मिनट पहले आ गए। सो हमने कहा चलो मोमोज खा लेते हैं। तो ये हैं मोमोज दोनों के हाफ हाफ गरम। सो गाइस हमने चाउमीन वगैरह सॉरी मोमोज वगैरह खा लिए और हम आ गए हैं थेरेपी क्लास, पहुंच गए। कितने आराम से चिल आउट मार के आ रहा है आदि, देखो वाह। अभी तो इसको निन्नू आ रही थी, आ जाओ मैडम। यहाँ आई थी बारिश। चलो फिर आदि कहाँ जाएगा? आदि अब थेरेपी क्लास से घर जाएगा। कहाँ जाएगा? थेरेपी क्लास से घर जाएगा। चलो फिर आ जाओ, चलो जल्दी आओ। क्लास हो गई, क्लास कंप्लीट हो गई। चलो गाइस अब हम निकल रहे हैं घर। आदि बड़ा खुश है, कह रहा मैं अब मैं ऑटो में सो जाऊंगा। मैंने कहा चलो जी सो जाएंगे। सो मिलते हैं आपको कल का घर में, हम जा रहे हैं ऑटो में, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद घर में। सो गाइस हम ऑटो में बैठ गए, अब हम जाएंगे नागरी अपने घर पर। थेरेपी क्लास से निकल गए, आदू को आ रही है नींद, आदू की मम्मा को भी आ रही है नींद। मैं पहुंच गई हूँ घर पर, और अभी मेरी मम्मी की कॉल आई थी कि सानू बेटा मैंने तेरे अकाउंट में ना 2100 रुपये डाल दिए। तो मैं कहा मम्मी किस खुशी में डालें? कह रही रज्जू में डालें। क्या किस खुशी में? तो पता लगा मेरी भिटोली आई है। मैंने कहा अरे चैत का महीना है, सो भिटोली परसों घर में भी आई थी, लेकिन वो मिठाई और खाली बतासे फ्रूट्स वगैरह थे। सो आज मम्मी ने मुझे कहा तुझे साड़ी लेनी है साड़ी ले लेना, सूट लेना है सूट ले लेना, और टॉप लेना है टॉप लेना, तो जो लेना है वो लेना। तो मैं कहा चलो बढ़िया है, मैं इसी बहाने एक मेरे नए जोड़ी कपड़े भी हो जाएंगे, तो मैं साड़ी लूँगी लग रहा है, सोचती हूँ फिर बताऊँगी फिर दिखाती हूँ। सो मैं घर पहुँच गई हूँ, अभी बहुत थकी हुई आ रही हूँ, थोड़ी ग्रीन टी पीऊँगी, एनर्जी लूँगी। जितना कुछ खाया है बर्गर चाउमीन और मोमो सब ग्रीन टी पी के पचा देंगे। गाइस थेरेपी क्लास से आने के बाद 1 घंटा
चिल आउट मारने के बाद ये रख दिया भात, चावल बन गया है। ये रखिए दाल, इसमें 5 सीटी आएंगी, उसके बाद तड़का लगाऊंगी इसका, क्योंकि घर में प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आलू भी थोड़े से हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ले आऊँ घर की सब्जियाँ, क्योंकि नया नया फ्रिज है, उसमें सामान वामान डाला भी नहीं है। इन कंजूसों ने लाइट बंद कर रखी कि घर का खर्चा बच जाए। खोल दो रे निकम्मो, ओ आदू निकम्मा, ये आदू ने बंद करके दिखाऊंगा इसे, उसको ये करना है, पूरे घर की लाइट बंद करके ये जला के घूम रहा है। रोटी एक सीटी आ गई, 4 सीटी और आने देना। ये देखो अब मैं लेने जा रही हूँ सब्जी, तो सब्जी मैं बहुत सारी लाऊंगी इसलिए मैं ले आती हूँ। बैग दे दो मुझे, लाओ झोला दे दो जल्दी। सो मिलते हैं आपको सब्जी मार्केट में। सो गाइस हम निकल पड़े हैं सब्जी लेने के लिए, रात के 9:30 या 10 बजे होंगे, टाइम तो मैंने भी नहीं देखा, 10:10 है। देखो मेरे साथ अन्ना आदि भी जा रहा है, ये देखो थमक थमक के चल रहा है। इसके पापा मिलेंगे अभी सब्जी मंडी में, लक्की मिलेंगे, तो घर से बस 7 मिनट की दूरी में है सब्जी मंडी, नज़दीकी है मार्केट। तो गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट सब्जी लेने। थोड़े 40 रुपये किलो टमाटर बड़े महंगे हैं। तो गाइस हम घर आ गए। गाइस ये मैं दाल छोकरी, और मैं आपको दिखाती हूँ योगी, देखो नया फ्रिज है, तो योगी कह रही मैं टमाटर भी पोंछ के रखूंगी, बल टमाटर धो के पोंछ रही है, और इसमें देखो नया फ्रिज है तो सब सफाई कर दूंगी बल। वही ये देखो फ्रिज, ये बड़ा अच्छा है, इसका बिल्कुल स्मूथली निकल रहा है। ये हम सब्जी ले आए बहुत सारी, आदि बंद कर दे बेटा प्लीज, सफाई बाद में करना। अभी फ्रिज नया है, हाँ साफ सुफ करके सब्जियां धो जाकर डालोगे फिर तो लाओगे भर दोगे, लाओगे भर दोगे, फिर थोड़ी करना है तुमने साफ सफाई को। अरे यार कभी तुम करो की सफाई, कभी तुम करो कभी हम करें, हो जाएगा काम। देखो मैं तो कर दो लेकिन तुम तो कभी नहीं करोगे यार। खीरे मेरी किस्मत कड़वे निकल रहे हैं, एक खीरा तो मैंने अब भी काट के सुन रखा डस्टबिन में, बहुत ही कड़वा था। छी गाइस मैंने बनाई है दाल चावल, ये उबल रही है दाल छोंकने के बाद, आज दाल थोड़ी ज़्यादा होगी। ये है चावल, देखो योगी कर रही है बहुत बड़ा काम, धनिया सुधार के इस कंटेनर में भर के रख देगी। अब गाइस खड़े खड़े दूध गिर गया, बताओ अब यहीं पर खड़े मेरे क्या मेरे लिए दूध पीने, ये दूध गिर गया प्रेस्टीज के ऊपर, दूध गिर गया। अरे कपड़ा लाओ रे, कपड़ा लाओ, किसने गिराया है दूध? आदू खुद गिर गया, पापा योगी तुम्हारे लिए दूध गिरा दिए, पापा पापा किसने गिराया? खुद गिर गया अपने आप, खुद नहीं गिरा बेटा, गैस बंद नहीं करी, ध्यान नहीं दिया। देखो गैस, हाँ आदू जितनी करते हैं खड़े जाओ, धनिया मत डालो, ये धनिया नहीं है, ग्रीन आदू ये पालक है बेटा। गाइस लक्की जी खाना खा रहे हैं, दाल चावल सैलेड। पीयूष खाना खा लो, ये लाइट क्यों चल रही है? सो गाइस आदि देखो अपने हाथ से खा रहा है, और वो मेरा खाना खा रहा है, वो खाना मेरा है जो खा रहा है, वो इसका खाना ये है। हाँ अब इसे करोगे क्या बर्फ का? नहीं बर्फ। सो गाइस रात के बज गए 11:30, तो अब सो जाना चाहिए, कल को मिलते हैं। क्या गाइस वो पोछा नहीं लगा रहे, गलतफहमी है, वो थोड़ा सा कूड़ा गिर गया था, उन्हीं से गिरा था, पानी तो साफ कर रहे थे। सो गाइस मिलते हैं आपको कल को नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, बाय टेक केयर। योगी को कितनी हंसी आ रही है। मैं गुस्सा आ रहा था। बाय गाइस, गुड नाइट।